नमस्ते टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिट्टू फूड लैब में। अगर आपने मेरे चैनल मिट्टू फूड लैब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। हाय फ्रेंड्स, आज स्वादिष्ट जबरदस्त किचन में मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पाव भाजी की रेसिपी। जब आपके पास घर में बहुत सारी सब्जियां हों और आपको कुछ बहुत अच्छा और चटपटा मज़ेदार खाने का मन हो तो दिमाग में सबसे पहले तो पाव भाजी का ही नाम आता है। हाँ जी, पाव भाजी मुंबई का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है जो हर किसी को बहुत पसंद आता है। अगर आपके बच्चे ज़्यादा वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब बाहर का खाने से डर रहे हैं, तो क्यों ना आज हम इसी स्ट्रीट फूड को घर में बनाएं और लें इसका मज़ा। तो चलिए फिर देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्जियां बॉईल करेंगे। उसके लिए एक प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डालें, गैस की फ्लेम को ऑन कर दें और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तभी इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 3 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे और इसको ऐड करेंगे। अभी टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको हल्का सा पका लेंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अभी इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज ली हैं, तो 1 गाजर ली है रफली चॉप, 1/2 बीटरूट कटा हुआ लिया है या चुकंदर, 1 कप रफली चॉप पत्ता गोभी लिया है, 2 से 3 मीडियम साइज के आलू को कट कर लिया है। अभी एक एक करके सारी सब्जी इसमें ऐड करेंगे, तो गाजर, बीटरूट, पत्ता गोभी, आलू सब ऐड करेंगे। बीटरूट डालने से भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और भाजी की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर बच्चे बीटरूट नहीं खाते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप बीटरूट भाजी में मिक्स करके उनको खिला सकते हैं। तो देखिए सारी सब्जियां हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर ली हैं। अभी इसमें 1/2 कप मैंने यहाँ पे फ्रेंच बीन्स ली है, इसको ऐड करेंगे और साथ ही में 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें, कुकर की लिड लगा देंगे और 1 विसल आने तक अच्छे से हमें इसको सब्जियों को प्रेशर कुक करना है, या जब तक कुक करें जब तक ये सब्जियां हल्के से अच्छे से बॉईल नहीं हो जाती। जब तक सब्जियां प्रेशर कुक हो रही हैं तब तक हम तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। तो तड़के के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच हम बटर ऐड करेंगे। मक्खन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट जितना ज़्यादा बटरी होगा उतनी ही भाजी हमारी टेस्टी बनेगी। साथ ही में इसमें हम 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल की ऐड करेंगे और बटर ऐड करेंगे। दोनों को अच्छे से हमें गरम कर लेना है। बटर और ऑयल का मिक्सचर अच्छे से गरम हो गया है। अभी इसमें 1/2 चम्मच ग्रीन चिली, चॉप्ड हरी मिर्च ऐड करेंगे, साथ ही में 2 बड़े चम्मच ग्रेटेड जिंजर या अदरक ऐड करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और अदरक और हरी मिर्च को हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। जब ये हल्का सा पक जाएगा तभी इसमें हम 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से चला लेंगे। अभी इसके अंदर 1 कप बारीक कटी हुई प्याज को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लें। अभी इसके अंदर हम 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। अभी प्याज और शिमला मिर्च को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। अभी इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही में सूखे मसाले ऐड करेंगे, तो 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर की ऐड करें, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च की ऐड करें, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 2 बड़े चम्मच हम पाव भाजी मसाला की ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक ऐड करें। नमक हम पहले भी सब्जियों में डाल चुके हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें नमक मिक्स करें। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तब इसमें 1/2 कप पानी डालें और 1 बॉईल तक इसको हमें पकाना है।
ये देखिए मसाले कितने बढ़िया तरीके से पक गए हैं और बॉईल भी आ गया है। अभी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डालेंगे और उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियां अच्छे से बॉईल हो गई हैं। दो विसल के बाद मैंने कुकर को खोला, ठंडा किया सब्जियों को और ये देखिए कितनी अच्छी मैशी हो गई है। अभी सारी मिक्स सब्जी को हम तड़के में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैशर की हेल्प से सारी सब्जियों को हमें अच्छे से मैश करना है जब तक कि एक फाइन पेस्ट हमें नहीं मिल जाता। अगर आपको मैशर से नहीं करना है तो आप इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। जितने अच्छे से हम मैश करेंगे उतनी ही हमारी पाव भाजी टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। तो याद रखिए इसमें कोई भी चंक्स नहीं होने चाहिए सब्जियों के, अच्छे से मैश करना है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच हम नींबू का रस की डालेंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे। साथ ही में 1/2 छोटी चम्मच चीनी की डालेंगे, चीनी डालना ऑप्शनल है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और एक बॉईल तक अच्छे से पका लें। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें बॉईल आ रहा है। अभी इसमें हम बटर ऐड करेंगे। बटर आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितना ज़्यादा इसमें आप फ्रेंड्स बटर डालेंगे भाजी उतनी ही टेस्टी बनती है, तो बटर डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें। तो देखिए हमारी भाजी बनके एकदम तैयार है। अभी इसको धनिया पत्ती से गार्निश करें। भाजी का कलर देखिए कितना अच्छा, एकदम स्ट्रीट स्टाइल रेड कलर आया है, जैसे बिल्कुल ठेले में मिलता है। फ्रेंड्स भाजी तो बनके एकदम रेडी है, तो चलिए फटाफट पाव भी रेडी कर लेते हैं। तो पाव सेकने के लिए एक नॉनस्टिक पैन ले लीजिए, उसमें हम बटर ऐड करेंगे। बटर नहीं तो आप घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब बटर हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम प्रिपेयर्ड भाजी की 1 चम्मच भाजी इसमें ऐड करेंगे और बटर और भाजी को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी जो लाड़ी पाव आते हैं या पाव भाजी के पाव रहते हैं इनको हमें बीच से कट करना है और इस मिक्सर के ऊपर रख देना है। इस तरीके से हम अपने सारे पाव मिक्सर के ऊपर रख देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पाव भी रेडी हैं, एकदम बढ़िया सॉफ्ट एंड क्रिस्पी सेके हैं। ये देखिए ये एकदम भाजी के साथ रेडी टू सर्व हैं। आप गर्मा गर्म भाजी के साथ इन गर्मा गर्म पाव को लीजिए और खाकर इसको इंजॉय करिए। ये मैं फ्रेंड्स बता रही हूँ, आप इस तरीके से पाव सेकेंगे तो पाव भाजी खाने का मज़ा ही डबल हो जाएगा। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी बनके एकदम तैयार है। इसको नींबू बटर और फाइन चॉप प्याज के साथ इंजॉय करिए। तो देखा फ्रेंड्स हमारी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनके एकदम तैयार है। अब बाहर नहीं जाना है तो फिर देर किस बात की, तो फटाफट इस रेसिपी को ट्राई करिए और ठेले वाले पाव भाजी का मज़ा घर में ही उठाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।